अभी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। तुम्हें अपने जुर्म का कफारा अदा करना होगा। तुम्हें किंजा से शादी करनी है। लगता है कि मेरे लिए ही छोड़ गए। यहां से छोड़ के किसी और जगह जाओगी, वहां भी तुम्हें यही बातें सुनने को मिलेंगी। ऐसे छुपने का कोई फायदा नहीं है किंजा। तुम इस शहर में खुश नहीं रहोगे बेटा, क्योंकि इस शहर से तुम्हारी वो तमाम यादें वाबस्ता हैं जो पाकिजा के साथ रिलेटेड हैं। तुम बहुत तकलीफ में चले जाओगे मेरे लाल। साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। ये अचानक जाने का प्लान कर लिया तुमने? सब कुछ अचानक ही तो होने लगा। जिंदगी यूं लम्हों में बदल गई है कि जो कुछ कभी गुमान में नहीं था आज हकीकत बनकर सामने खड़ा। बेहतर यही है कि मैं यहां से कहीं दूर चला जाऊं। ऐसा नहीं है कि मैं पाकिजा को भूल जाना चाहता हूं। यहां रहा तो दम घुट जाएगा मेरा, और मैं उसे किए हुए जीने के वादे की वादा खिलाफी नहीं कर सकता। ये वही कमीज है ना जो पाकिजा के खून से तर हो गई थी। यूं लगता है जैसे मेरा पूरा वजूद उसके खून से तर है। ये खून मैं चाहकर भी मिटा नहीं पाऊंगा। मेरी इमानत है तुम्हारे पास, पाकिजा को लेकर अपने बाद मैंने सबसे ज्यादा भरोसा तुम पर किया। मेरी इमानत का ख्याल रखना। Thank you.
आ गया बेटा। मुझे बड़ी खुशी है, तुमने बहुत अच्छा फैसला किया। अपना ख्याल रखना बेटा और फोन करते हो रही हो। वापस बॉक्सिंग, बाइक या मैं? क्या मतलब? अगर आंटी ने रिजेक्ट कर दिया तो क्या? कुछ भी नहीं हो सकता। फिर जन्नत में मिलने की ट्राई करेंगे। सुनो, ये बहुत सीरियस बात है, इसलिए बेहतर होगा सीरियस जवाब दो। हमजा, देखो होगा वही जो मैं चाहती हूँ। मेरे लिए उनकी खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर उनकी खुशी के अलावा मुझे दुनिया में सब कुछ भी मिल जाए ना, तो मेरे लिए कोई मायने नहीं। मैं ये कभी नहीं चाहती कि कभी भी जिंदगी में मेरी वजह से उनकी आंखों में आंसू आए। चलो फिर ठीक है, आज से उनकी आंखों में आंसू आने की जिम्मेदारी तुम्हारे साथ साथ मेरी है। कॉफ़ी फ्रेश है मेरे हाथ में, और ले लो ना। इतनी गर्म नहीं चाहिए, तो जल्दी के आराम से पियो। अरे मुझे 5 बजे घर पे लोग आ रहे हैं आप को देखने के लिए, मुझे पहुंचना है, इतने काम है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो रिश्ता नंबर 35 तो होगा ही, राइट? हम लोग तुम आप का मजाक उड़ा रहे हो। नहीं नहीं, मेरी ऐसी क्या मजाक यार, मैं सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप को ऐसा क्या चाहिए जो आज तक मिला नहीं है। सिर्फ बताऊँ तो आप का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी आप को इतना अच्छा लड़का मिले कि उनको बहुत खुश रखे इंशाल्लाह। तुम्हें पता है अम्मी की जिंदगी की सबसे बड़ी टेंशन यही है, एक दफा उनका रिश्ता हो जाए वो सुकून में आ जाएंगे। राइट ले लो। लेकिन सर एयरपोर्ट के लिए मैंने कहा ना किसे राइट लो। जी सर। मैंने खुद आपसे सजा मांगी थी, फिर उस सजा से भागकर दूर जा रहा था। आज लौट कर आया हूं तो सजा के लिए नहीं, पाकीज़ा से किए अपने वादे को निभाने के लिए। जब आपका फैसला मंजूर है, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही। मुझे अफसोस है कि इस फैसले की तायद करते हुए मेरे माँ बाप यहाँ मौजूद नहीं है, और आप ऐसी कोई उम्मीद भी मत रखिएगा। लेकिन ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपकी बेटी बाइज्जत तौर पर रुख्सत होगी और इस घर में बहू बनकर रहेगी।
साहब की आंख में आंसू नहीं देख सकती थी। बहुत तकलीफ होती थी उसे। मैंने वादा किया था कि आपकी आंखों में आंसू लाने की जिम्मेदारी उसके साथ साथ मेरी भी है। आप तैयारी करें, मैं गांव का इंतजाम करता हूं। क्या मतलब पता नहीं कहाँ चला गया? तुम्हारे साथ ही तो था। मैडम वो एक गली के बाहर गाड़ी रुकवा के उतर गया और मुझे जाने का कह दिया। तो उसी वक्त फोन करके मुझे क्यों नहीं बताया? अच्छा ठीक है, तुम जाओ। खुदाया, ये लड़का और कितनी सजा देगा हमें? परेशान करके रख दिया इसने। क्या करना चाह रहा है कुछ पता नहीं, क्या दिमाग में चल रहा है इसकी। मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया है। वो अपने हिस्से की सजा पाने के लिए लौट आया। और मुझे किसके हिस्से की सजा दे रही हैं आप? मैं तुम्हें उस सजा से बचाने की कोशिश कर रही हूं जो आने वाला वक्त तुम्हें देगा, और वो भी एक नाकर्दा गुनाह की सजा। ये माशरा तुमसे हर उस गुनाह का जवाब मांगेगा जो तुमसे जुड़े किसी भी रिश्ते ने किया हो, ये जाने बगैर कि तुम कसूरवार हो ये नहीं हो। मैं तुम्हें इस अज़ियत से बचाना चाहती हूँ। हमजा के अलावा तुम्हें कोई कबूल नहीं करेगा, और उसके लौट आने से ये साबित हो गया कि वो अपने गुनाह का कफारा अदा करना चाहता है। मैंने जिंदगी में आपको इतना कमजोर कभी नहीं देखा। काश काश आप मुझे मेरी वो बहादुर माँ लौटा के दे सकती जिसने तन्हा इस माशरे में बगैर किसी सहारे के अपनी दो बेटियों को पाला। फिर अब क्यों? कि मैं नहीं चाहती कि तुम भी उसी कारबार उसी अजियत से गुजरो जिससे मैं गुजरी। मैं फैसला कर चुकी हूँ। बदलना पड़ेगा आपको ये फैसला। यहीं रुकना। पैसे हैं मैंने तुम्हारी शादी के लिए जोड़े थे, अब तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि इस घर से आज डोली उठेगी, चाहे तुम्हारी शादी की हो या मेरे जनाजे की। अब सोच लो, तुमने अपनी शादी पे ये पैसे खर्च करने हैं या फिर मेरे लिए चार कंधों का इंतजाम कर दो और एक लावारिस कब्र का। तू पागल तो नहीं हो गया हमजा? इतनी बड़ी बेवकूफी तू कैसे कर सकता है यार? बेवकूफी तो मैं करने जा रहा था काशिफ। बुजदिलों की तरह भागकर उन दोनों इंसानों को अकेला छोड़कर जिनका वाहिद सहारा आज मैं हूं, और पाकीज़ा से किए हुए वादे से मुकर कर तू जज्बात में आकर फैसला कर रहा है हमजा। कौन से जज्बात? मैं सिर्फ वो कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए। गौर से मेरी तरफ देख, मैं पाकीज़ा का मुजरिम हूं।
पाकीज़ा की अम्मी और किंजा, उनके साथ लोग जो सलूक कर रहे हैं और जो करते रहेंगे वो तुम अच्छी तरह जानते हो, और फिर भी मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं सब कुछ भुलाकर अपनी नई जिंदगी शुरू करूं। जाना था ऐसी जिंदगी पर। मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है। मेरे लिए बहुत आसान है ये सबसे फरार हासिल करना, लेकिन अपने आप से फरार कैसे हासिल करूं? ये गिल्ट मुझे जीने नहीं देगा, घुट जाएगा मेरा। अंकल आंटी से क्या कहेगा? वही जो सच है। मेरे लिए चार गवाहों का इंतजाम करना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं आखिरी बार अपने को आजमाना चाहता हूं, देखना चाहता हूं कि आने वाले वक्त में कौन मेरे साथ होगा और कौन नहीं। मैं तुम्हें उस सजा से बचाने की कोशिश कर रही हूँ जो आने वाला वक्त तुम्हें देगा, और वो भी एक नाकर्दा गुनाह की सजा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम भी उसी कारबार उसी अजियत से गुजरो जिससे मैं गुजरी। मैं फैसला कर चुकी हूँ। ये पैसे हैं, मैंने तुम्हारी शादी के लिए जोड़े थे, अब तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि इस घर से आज डोली उठेगी, चाहे तुम्हारी शादी की हो या मेरे जनाजे की। अब सोच लो, तुमने अपनी शादी पर ये पैसे खर्च करने हैं या फिर मेरे लिए चार कंधों का इंतजाम कर दो और एक लावारिस कब्र का। साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। मुझे आपका फैसला कबूल है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आज मैंने आपके और अपने रिश्ते का हर हक अदा कर दिया है, हर कीमत चुका दी है। बदले में सिर्फ इतना चाहती हूं कि मुझे इस घर से रुखसत करते वक्त ना आप रोएंगी और ना ही मुझे कोई दुआ देंगी, क्योंकि मैं आपसे लिपट के नहीं रो सकती। मैं अपने हिस्से के तमाम आंसू बहा चुकी हूं, अपने हिस्से का मातम मना चुकी हूं, बस
खुशियां मनाए आप, आज आपके कांधों का सबसे बड़ा बोझ उतर गया, सुरखुरू हो गई आप, जीत गई आप। कोशिश कीजिएगा कि आपको मेरी याद ना आए, लेकिन अगर फिर भी आए तो समझ लीजिएगा कि आपकी दो बेटियां थीं और दोनों मर गई। फर्क सिर्फ इतना है कि एक को लावारिस कब्र नसीब हुई और दूसरी को वो भी नहीं। चाचा बड़ी खुशबूएं लगा रहे हैं। अरे हम कहाँ अच्छे लगेंगे इस होगा में खुशबू लगाते, ये तो हमें कोई चाहने वाला दे गया। अरे तेरी उम्र ही क्या है अभी, उम्र कभी बूढ़ा नहीं होता। अच्छा ये तुम भी लगा के देख लो। तो लगाऊं मैं? हाँ हाँ, चलता कहाँ से? यही हाँ यही पकड़ दे।
और कितना इंतजार करना पड़ेगा? ये फोन नहीं उठा रहा कोई, काशिप भी नहीं उठा रहा। मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है, आप दोबारा मिलाइए ना। हमजा तुम कहां? ये आपकी बहू है किंजा। तुम्हारी भूल है हमजा कि तुम्हारे कहने से ये लड़की इस घर की बहू बन जाएगी, क्योंकि ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। आप शायद भूल रही हैं, आपने खुद ही कहा था कि पाकीज़ा के अलावा कोई भी लड़की इस घर की बहू बन सकती है। और जहां तक बात कहने की है, मैं कह नहीं रहा, मैं कर चुका। ये मेरी बीवी है, इस हकीकत को आप लोग झुठला नहीं सकते। इस हकीकत को हम पे मुसल्लत करने की कोशिश मत करो। जिस तरह तुम अपने फैसलों में अपने मां बाप को शामिल नहीं कर सकते, हमसे किसी किस्म की कोई उम्मीद भी ना रखो, समझे? अफसोस कि तुमने रिश्तों को उस मकाम पे ला के खड़ा कर दिया है जहां रिश्तों में कोई अहमियत ही नहीं रहती। और तुम खामोश सर झुकाए अपनी मासूमियत साबित करने की नाकाम कोशिश ना करो, क्योंकि तुम दोनों माँ बेटियों के चेहरे से वो पर्दा बहुत पहले ही उठ गया था जिसने तुम्हारे घटियापन को छुपाया। अम्मी, आप लिमिट क्रॉस कर रही हैं। आपको जो कुछ कहना है मुझसे कहें, इन्हें कहने का कोई हक नहीं। ये सब मेरी मर्जी से हुआ है। अच्छा, तो अपनी इस मर्जी के साथ दोबारा इस घर की दहलीज पार मत करना। मेरा दिल बहुत मजबूत है, मैं समझूंगी कि मेरा कोई बेटा ही नहीं था, लेकिन इस लड़की को मैं इस घर में कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। फैसला अब तुमने करना है, मां बाप या फिर ये। मेरा फैसला आपके सामने है, मैं कोशिश करूंगा कि मेरा दिल इतना मजबूत हो जाए। मैं खुद को लावारिस समझ सकूं।
हमजा तुम, तुम्हारी तो फ्लाइट थी। मैंने इनसे शादी कर ली है। तू घर नहीं गया अभी तक? तेरी शिफ्ट तो ओवर हो गई है। हाँ नहीं, आज ओवर टाइम लगा रहा हूँ मैं। अच्छा चल चाय पिलाता हूँ तुझे। ओ नहीं नहीं यार, तू पी, मैं अभी पी कर आया हूँ। पक्का? पक्का ही कह रहा हूँ। अरे तेरी मर्जी। वो तू गया नहीं अभी तक? जा रहा था ना तू चाय पीने? तो चला जाऊंगा, तुझे क्या जल्दी है, मुझे अकेले ही तो चाय पीनी है। अच्छा मैं जानता हूँ जो कुछ मैंने कहा है तुम्हें उस पर यकीन नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये सच है। पिछले चंद घंटों में मेरी जिंदगी इस कदर बदल चुकी है कि इस वक्त मैं कौन हूं ये मैं खुद नहीं जानता। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था नमशो, मैं एक ऐसी सड़क पर खड़ा हूं जिस पर मंजिल नजरों से ओझल है, लेकिन मुझे चलना है, ना ही मैं रुक सकता हूं ना ही पलट कर वापस जा सकता हूं, मुझे चलना है। शायद यही मुमकिन था जो मैं पाकीज़ा के लिए कर सकता हूं, जिंदगी में तो उससे किए वादे निभा नहीं पाए। उसको हमेशा अपने साथ रखने का वादा किया था, उसने खुद से हमेशा के लिए दूर कर दिया। काश काश सब कुछ यूं ना बिखरता, इतने खुश थे हम दोनों एक दूसरे को पाकर। किसकी नजर लग गई हमारी खुशी में, ठीक है आप खैरियत से?
साया साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। कुछ लोग दीवारों के नहीं मुकद्दर के कैदी होते हैं। तो उनके दिल में मेरे लिए नफरत आपसे कहीं ज्यादा है। जाओ यहाँ से। और मेरे साथ रहना उनकी मजबूरी है। इन आंखों ने कई लड़कियों को अपनी इज्जत बचाते हुए देखा है। इस लड़की की जिंदगी से एक उम्मीद जुड़ी हुई है। तुम एक नाकाम इंसान। क्या आप इसी तरह सारी जिंदगी हमजा से नफरत करके गुजारते हैं? ये ना समझना कि मैं कमजोर पड़ जाऊंगी। एक एक चीज का हिसाब लूंगी मैं तुम से। साया भी साथ।